हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर ए शर्मा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और यह वीडियो है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। एक्चुअली इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था बहुत पहले शुरुआत में, कई महीनों पहले, उसमें मैंने सेंटेंस और सेंटेंस के काइंड्स बताए थे, बट ये नहीं बताया था कि सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाई स्कूल की जो एग्जाम होती है बोर्ड में, जो सेक्शन बी होता है उसका पहला क्वेश्चन रीऑर्डरिंग जो आता है इसी टॉपिक पर आता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ही हो। इसे जंबल वर्ड भी कहते हैं, करेक्ट इन ऑर्डर भी कहते हैं। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, सेंटेंस के दो पार्ट हो, दोनों को दो वीडियो में बताऊंगा। तो आप इसको शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके और इससे लाभ उठा सके। कॉम्पिटिशन्स में भी जंबल वर्ड करके आते रहते हैं। बताने से पहले मैं चाहूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। इसमें कोई आपका कास्ट नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम शुरू करते हैं। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट, हर सेंटेंस के दो भाग होते हैं, और पहले भाग को हम कहते हैं सब्जेक्ट, पहले भाग को सब्जेक्ट कहते हैं। इन हिंदी दिस पार्ट इज कॉल्ड उद्देश्य, इसे हम उद्देश्य कहते हैं। दूसरे पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का वह भाग अबाउट विच वी से समथिंग, जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट, इट इज प्रेडिकेट। जो हम सब्जेक्ट के विषय में कहते हैं वो प्रेडिकेट होता है, और जिसके विषय में कहते हैं वह सब्जेक्ट होता है। तो दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट, इसे हम कहते हैं विधेय। ध्यान देखिए, जो जैसे एक सेंटेंस आप ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, देखिए जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आसानी हो जाएगी। ही बॉट ए बुक, एक सेंटेंस है, ही बॉट ए बुक, उसने एक बुक खरीदी। अब हम देखेंगे इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि ये उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसने क्या किया, किताब खरीदा। तो ही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा और ये पूरा प्रेडिकेट कहलाएगा। इसके बारे में हमने क्या किया, उसने किताब खरीदी, किताब खरीदना उसका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब कैसे इसको जानेंगे, सेंटेंस की शुरुआत से आप ले लीजिए, ठीक वर्ब से पहले तक, वर्ब को टच नहीं करना, बिफोर वर्ब, टोटल पार्ट इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड वर्ब को लेकर विद वर्ब टू द लास्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, ये पूरा प्रेडिकेट होता है। कभी कभी आप देखें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं। तो इनमें अंतर क्या है कि मेन वर्ब से शुरू होगा तो उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा तो उसमें क्या होगा, तो उसका जानना बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे इसको आप जानेंगे कि कहां से होता है। एक सेंटेंस ले लीजिए, दैट बॉय इज रनिंग, एक सेंटेंस हमने लिया दैट बॉय इज रनिंग, और दूसरा सेंटेंस हमने ले लिया दैट बॉय रन्स, दो हमने ले लिए सेंटेंस। इस सेंटेंस में देखते हैं कि इज ऑक्सिलरी वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब है रन, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ है। तो बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब, अगर ऑक्सिलरी जो वर्ब पहले आ जाए, ऑक्सिलरी वर्ब अगर है तो हम वहीं पहले आएगी, नहीं है तो मेन वर्ब आएगी। तो ऑक्सिलरी वर्ब अगर दिया हुआ तो बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब टोटल पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, और ये दूसरा वाला जो पार्ट है ये प्रेडिकेट होगा। इस सेंटेंस में देखें तो दैट बॉय आपका है, वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है तो दैट बॉय आपका सब्जेक्ट हुआ, एंड प्रेडिकेट आपका शुरू होगा रन से शुरू होगा। तो समझ में आया कि जैसे वर्ब शुरू हो, वर्ब से पहले पूरा पार्ट आपका सब्जेक्ट होता है, और वर्ब को लेकर के लास्ट तक जितना भी बड़ा सेंटेंस हो जाए टोटल प्रेडिकेट होता है। तो कुछ मैं सेंटेंसेज बताता हूँ आपको मॉडल के तौर पर कि कहाँ सब्जेक्ट होता है, कैसे प्रेडिकेट होता है। देख लीजिए सेंटेंसेस कि जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे छाटेंगे। देयर आर सम स्टूडेंट्स,
देयर आर सम स्टूडेंट्स, इसमें आपका देयर सब्जेक्ट है, बाकी पूरा प्रेडिकेट है, ये पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट है। दूसरा देखिए, अगर आपका सेंटेंस जिरंड से शुरू है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये सेंटेंस है, तो वॉकिंग आपका सब्जेक्ट हुआ, इसके यहां से पूरा ये प्रेडिकेट होगा, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। अगर इन्फिनेटिव हो, इसी सेंटेंस को हम इन्फिनेटिव कर दें, इसी तरह का सेंटेंस, टू स्मोक इज बैड, तो आपका इज प्रेडिकेट होगा, टू स्मोक सब्जेक्ट होगा। तो ऐसे भी सेंटेंसेज आ जाते हैं, इट से कोई सेंटेंस हो, जैसे इट वाज रेनिंग, तो वाज रेनिंग आपका प्रेडिकेट हुआ, इट सब्जेक्ट हुआ। कुछ ऐसे सेंटेंसेज आते हैं जिसमें आपको लगेगा कि सब्जेक्ट बीच, प्रेडिकेट बीच में ही शुरू होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। देखिए ऐसे सेंटेंस को, द ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री इज क्रो, दैट ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री इज क्रो, इसमें आप सब्जेक्ट देखते हैं कहां तक, द ब्लैक बर्ड से शुरू है और ट्री तक आपका पूरा सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है इज क्रो। तो ये होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हर सेंटेंस के। फिर से देख रहे, दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। विदाउट सब्जेक्ट प्रेडिकेट कोई सेंटेंस नहीं होता है, अगर होता है तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, बट उसमें भी सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन वो छिपा रहता है, हमेशा अंडरस्टूड रहता है। तो एक टॉपिक आपका क्लियर ये बात हुई कि हर सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू से लेकर के ठीक वर्ब तक होता है, और वर्ब को लेकर के लास्ट तक प्रेडिकेट होता है। तो दूसरे पॉइंट में हम अब शुरू करते हैं, अब सब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं, प्रेडिकेट को छोड़ देते हैं, प्रेडिकेट को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो पहले वीडियो में हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, देखते हैं पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अब कितने भाग होते हैं पहले ये देखेंगे हम। सब्जेक्ट, इसे डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बाद पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पहला देखिए, पहला पार्ट जो होता है सब्जेक्ट का, उसे हम कहते हैं हेड वर्ड, या फिर इसको हम कहते हैं मेन वर्ड, या इसको हम नाउन भी कहते हैं। हेड वर्ड, मेन वर्ड, मुख्य शब्द, इट मीन्स आप कह सकते हैं इसे इन हिंदी कर्ता, जो आपका सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, वो हेड वर्ड या मेन वर्ड का या नाउन का लगता है, प्रोनाउन भी हो जाता है, ये सब्जेक्ट का पहला पार्ट है। कुछ भी सब्जेक्ट में रहे या ना रहे, बट एक सब्जेक्ट तो होगा ही, उसका कर्ता होगा जो कार्य को करने वाला है। जैसे देखिए ध्यान से, राम टीच्स मी, या कहिए कि यू हेट हिम, दो सेंटेंस हमने लिखे। अब इस सेंटेंस को देखिए, राम यहां पर है, यू, राम टीच्स मी, यू हेट मी, ये आपका टीच प्रेडिकेट हो गया, हेट से आप प्रेडिकेट हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब ने दिया तो मेन वर्ब से आपका प्रेडिकेट, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट में अगर पूछा जाए कि क्या है, राम क्या है, तो इसे कहेंगे इट इज हेड वर्ड, इट इज मेन वर्ड, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड हेड वर्ड, इसे हम हेड वर्ड करते हैं। इन शॉर्ट आप इसको HW भी लिख देते हैं, या फिर MW भी लिख देते हैं। तो पहला पार्ट हुआ आपका हेड वर्ड, समझ में आ गया। अब दूसरे पार्ट को देखिए, जो दूसरा पार्ट होता है सब्जेक्ट का, दूसरा पार्ट होता है क्वालिफायर, इसे हम कहते हैं क्वालिफायर, का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले,
एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ कि आपको एकदम आ ही जाएगा, बस इसको आप देखते रहें। क्वालिफायर का मतलब हुआ विशेषता बताने वाले शब्द। इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं, इसमें जितने आपके डिटरमिनर्स आते हैं, एक टॉपिक अलग से मैं आपको दूंगा, बताऊंगा डिटरमिनर्स कितने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बट बस जान जे जनरली जितने डिटरमिनर्स होते हैं या हेड वर्ड से पहले जब भी आएंगे, हेड वर्ड से पहले आएंगे, वो सारे डिटरमिनर्स क्वालिफायर में आ जाते हैं। जैसे ए एंड द, दिस दैट दीज दोज सम एवरी, ये सब जितने हैं वर्ड्स जो हेड वर्ड से पहले आएंगे, हमेशा क्वालिफायर कम्स बिफोर सब्जेक्ट या हेड वर्ड। जब भी आपका क्वालिफायर आएगा हेड वर्ड से पहले ही आएगा। कैसे, एक पहले छोटा सेंटेंस देखिए। मान लीजिए अगर आपने लिखा कि फादर प्लेज हॉकी, फादर प्लेज हॉकी, पिताजी हॉकी खेलते हैं, तो इसमें अगर हम कहें तो आप कहेंगे प्रेडिकेट ये है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें तो कल हेडवर्ड ही दिया है। लेकिन इसी हेडवर्ड से पहले इफ आई राइट माई फादर प्लेज हॉकी, मेरे पिताजी हॉकी खेलते हैं, अब फादर थे बट फादर की विशेषता क्या, मेरे पिताजी की एक विशेषता हो गई पिताजी की माई फादर, तो माई जो आपका है इट इज कॉल्ड क्वालिफायर, और ये आपका हो गया हेडवर्ड, और ये तो प्रेडिकेट आपका है ही प्रेडिकेट। जब भी आएगा क्वालिफायर हेडवर्ड से पहले ही आएगा। कुछ मोर एग्जांपल्स आपको मैं बता रहा हूं, देखिए हिज ब्रदर, हिज ब्रदर इज अ टीचर, ये हो गया सेंटेंस। दूसरा देखिए, ऑल गेस्ट्स हैव नॉट कम, ऑल गेस्ट हिज ब्रदर, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, इज ए टीचर प्रेडिकेट है, हैव नॉट कम यहाँ प्रेडिकेट है। यहाँ देखेंगे तो ये आपका हेडवर्ड हो गया या मेन वर्ड कहिए, हिज को आप क्या कहेंगे क्वालिफायर कहेंगे, यहाँ हेडवर्ड आपका गेस्ट हो गया, ऑल क्या हो गया आपका क्वालिफायर हो गया। तो देखा आपने, जब भी आएगा क्वालिफायर हेडवर्ड से पहले आएगा और ये हेडवर्ड की विशेषता बताता है। अब क्वालिफायर को हम फिर डिवाइड करते हैं, क्वालिफायर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब वो दो कौन से भाग हैं उनको मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वालिफायर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो इसमें पहले पार्ट को हम कहते हैं डिटरमिनर्स, इसको डिटरमाइनर्स भी लोग कहते हैं, डिटरमाइनर या डिटरमिनर्स। सेकंड को हम कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स क्वालिफायर के दो पार्ट हुए। अब कैसे होंगे, ऐसे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, एकदम इजी तरीका है कि देखिए कैसे जानेंगे। एक सेंटेंस को जैसे मैं लिख रहा हूं, तीनों चीजें बता रहा हूं, ब्रदर हेल्प्स ऑल, एक सेंटेंस में लिखा ब्रदर हेल्प्स ऑल, पहले प्रेडिकेट को आप क्लियर करें, हेल्प्स ऑल एप आपका प्रेडिकेट हो गया, इसको टच नहीं करना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट न कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट को अवॉइड कर दीजिए, पहले सब्जेक्ट देखिए। अब ब्रदर आपका सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट में देखेंगे ब्रदर आपका क्या है, हेड वर्ड है, हेड वर्ड हुआ। लेकिन यही मैं अगर लिख दू माई ब्रदर हेल्प्स ऑल, तो माई आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो गया। अब इसी सेंटेंस में एक वर्ड मैं जोड़ दूं माई के बाद, मतलब क्वालिफायर के बाद और हेड वर्ड के पहले, इफ आई एड माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर हेल्प्स ऑल, अब देखिए क्या होगा, देखेंगे आपका जो क्वालिफायर था यहां आ गया, हेड वर्ड तो वही है,
लेकिन क्वालिफायर और हेड वर्ड के बीच में कुछ और आ गया, उसी को आप कैसे डिटरमिन क्लियर। व्हेन एन एडजेक्टिव, जब एक विशेषण कम्स बिटवीन क्वालिफायर एंड हेडवर्ड, जब क्वालिफायर और हेडवर्ड के बीच में एन एडजेक्टिव कम्स एक विशेषण आ जा, देन योर क्वालिफायर बिकम्स डिटरमिनर्स या डिटरमाइनर्स, इट इज कॉल्ड डिटरमाइनर एंड इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ये डिटरमिनर। फिर से देखिए, जब क्वालिफायर और हेडवर्ड के बीच में कोई एडजेक्टिव आ जा, योर क्वालिफायर बिकम्स डिटरमाइनर, यही डिटरमाइनर आपका कहलाता है। चीज वही है, अब क्लियर होगा। अब डिटरमाइनर होता क्या, डिटरमाइनर से मतलब होता है निश्चित करने वाले, सीमित करने वाले। तो पहले क्या था, भाई मदद करता है दूसरों की, अब हो गया मेरा भाई मदद करता है, अब मेरा भाई भी हो सकता है मेरे कई भाई हों, उसमें क्लियर हो गया, डिटरमाइन हो गया, निश्चित हो गया कि माय एल्डर ब्रदर हेल्प्स, मेरा बड़ा भाई मदद करता है। तो इसीलिए इट इज कॉल्ड डिटरमाइनर, इसको हम डिटरमाइनर कहते हैं, क्योंकि डिटरमाइन कर देता है, बात को क्लियर कर देता है और निश्चित कर देता है। तो ऐसे कुछ मोर एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कि डिटरमाइनर कैसे होते हैं। दैट ब्लैक काउ इज माइन, योर न्यू पेन इज गुड, आवर ओल्ड हाउस हैज बीन सोल्ड, आवर ओल्ड हाउस हैज बीन सोल्ड। ये थ्री सेंटेंसेस हमने आपको बताया, देखिए ध्यान से। दैट ब्लैक काउ इज माइन, इज माइन आपका प्रेडिकेट हो गया, छोड़ दीजिए। दैट ब्लैक काउ आपका सब्जेक्ट है। अब इसमें आइए हेडवर्ड को पहले देख लीजिए, आपका हेडवर्ड रहा। अब हेडवर्ड से पहले हम देखते हैं तो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव लिख दें विशेषण, लेकिन एडजेक्टिव दिया है तो श्योर है कि एडजेक्टिव से पहले भी कुछ दिया होगा, और जो सब दिया यही आपका डिटरमिनर होता है, ये डिटरमिनर है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, दैट योर न्यू पेन इज गुड, योर न्यू पेन आपका सब्जेक्ट है, इज गुड प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट योर न्यू पेन सब्जेक्ट है। तो ये आपका पेन हो गया, हेडवर्ड हो गया, न्यू आपका एडजेक्टिव हो गया, योर हो गया डिटरमिनर हो गया। इस सेंटेंस में वही है, अवर ओल्ड हाउस हैज बीन सोल्ड, हैज बीन सोल्ड प्रेडिकेट हो गया, अवर ओल्ड हाउस, तो अवर आपका हो गया डिटरमिनर हो गया, ये ओल्ड एडजेक्टिव है, हाउस हेड वर्ड है, ये आपके तीन पार्ट हो गए। अब इसमें आप देखेंगे थोड़े एक वर्ड को हटाएंगे तो दो नाम चेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर मैं यहां से एडजेक्टिव को रिमूव कर दूं, केवल मैं कर दूं कि दैट काउ इज माइन, तो आप जो दैट है यह आपका बन जाएगा क्वालिफायर, क्योंकि एडजेक्टिव हट गया। यहां से अगर आप न्यू को रिमूव कर दें, तो न्यू को रिमूव करेंगे तो योर बिकम्स क्वालिफायर। अगर यहां ओल्ड को आप रिमूव करें तो आवर बिकम्स क्वालिफायर। देखा आपने, क्वालिफायर और हेडवर्ड के बीच में एडजेक्टिव आ जा तो क्वालिफायर बिकम्स डिटरमिनर। ये थर्ड पार्ट रहा आपका सब्जेक्ट का। अब लास्ट जो पार्ट आपका सब्जेक्ट का है उसको देखिए, लास्ट पार्ट में क्या है। जैसे कहें माय यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज ए डॉक्टर, माई यंगर ब्रदर इन दिल्ली इज ए डॉक्टर। अब हम सब्जेक्ट को पहले ढूंढते हैं, माई से लेकर के दिल्ली तक आपका सब्जेक्ट पार्ट हुआ, प्रेडिकेट है इज ए डॉक्टर, ए प्रेडिकेट है, इसे आप छोड़ दें। यहां पर है माई यंगर ब्रदर इन दिल्ली, यहां देखते हैं हेड वर्ड आपका ये है,
यंगर एडजेक्टिव है, ए एडजेक्टिव दिया है तो आपका हो गया डिटरमिनर हो गया। अब तक आपने क्या देखा कि हेडवर्ड के बाद आफ्टर हेडवर्ड स्टार्ट्स प्रेडिकेट, बट यहां यू फाइंड दैट आफ्टर हेडवर्ड एंड बिफोर प्रेडिकेट देयर आर सम वर्ड्स, कुछ और भी वर्ड्स आ गए, एंड दीज वर्ड्स शो द पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट, जनरली सब्जेक्ट की पोजिशन को दिखाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, जैसे हो गया मेरा बड़ा छोटा भाई इन दिल्ली, दिल्ली में। अब जो इन दिल्ली आपका है, इसका एक नाम होता है एडजेक्टिव, या इसको एडजेक्टाइवल भी कहते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेज मीन वाक्यांश होता है। ये एडजेक्टिव या एडजेक्टाइवल फ्रेज कहा जाता है, ये एक शब्द या कई वर्ड्स का ग्रुप होता है। जनरली ये दिखाता है सब्जेक्ट की पोजीशन को दिखाता है, इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का लास्ट पार्ट होता है जिसके बाद प्रेडिकेट शुरू होता है। लेकिन कब आता है, आफ्टर हेडवर्ड और बिफोर प्रेडिकेट, हेडवर्ड के बाद और प्रेडिकेट के पहले आता है। कुछ और एग्जांपल देखिए, जैसे दैट पेन ऑन द टेबल इज माइन, दैट पेन ऑन द टेबल इज माइन, या हम देखते हैं दैट टेबल ऑन द, दैट पेन ऑन द टेबल ए सब्जेक्ट हुआ, इज माइन प्रेडिकेट हुआ। सब्जेक्ट में हम देखते हैं पहले हेडवर्ड को, पेन पकड़ते हैं हेडवर्ड हुआ, हेडवर्ड से पहले देखते हैं कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये आपका क्या कहलाया जा, क्वालिफायर का एडजेक्टिव रहता है, डिटर्मिनर हो जाता। अब हेडवर्ड के बाद प्रेडिकेट को शुरू होना चाहिए, बट है नहीं, प्रेडिकेट नहीं शुरू है, तो प्रेडिकेट से पहले और हेडवर्ड के बाद आप क्या पाते हैं कि कुछ वर्ड्स दिए, ऑन द टेबल दिया हुआ है, ये फ्रेज है, वाक्यांश है, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, ये आपका लास्ट पार्ट है। तो इस तरह देखते हैं, देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के चार पार्ट होते हैं, हेडवर्ड होता है, क्वालिफायर होता है, डिटर्मिनर होता है और एडजेक्टाइवल फ्रेज होता है। तो दीज आर फोर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये सॉरी सब्जेक्ट के फोर पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस नहीं, फोर पार्ट्स होते हैं। इन चारों चीजों को एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, उसके बाद कुछ एग्जांपल के द्वारा छोटा सा एग्जांपल दे करके आपको बताता हूं। जैसे देखिए, एक अगर कह दिया है रवि इज अ प्लेयर, ये देखिए इज आपका हो गया प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, रवि आपका हेडवर्ड है, मतलब ये है सब्जेक्ट आपका, लेकिन सब्जेक्ट में क्या है, ये हेडवर्ड है। दूसरा देखिए, हिज डॉग इज फैदफुल, हिज डॉग इज फैदफुल, या हम क्या पाते हैं, इज फैद आपका हो गया प्रेडिकेट हो गया, हिज डॉग आपका सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में क्या है, तो हिज आपका क्या है, देखिए हिज आपका हो गया क्वालिफायर और डॉग हो गया हेडवर्ड, डॉग हेडवर्ड हो गया सब्जेक्ट पार्ट्स में। तीसरा सेंटेंस देखिए, जैसे योर न्यू फ्रेंड वाज माय फ्रेंड, योर न्यू फ्रेंड वाज माय फ्रेंड, यहां देखिए ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट है, फ्रेंड। अब पहले सब्जेक्ट पार्ट में देखिए, लिख लिख करके देखिए, पहले यू को लिखे योर, योर क्या कहलाएगा, कि दूसरे नंबर पर देखेंगे एडजेक्टिव है, जब दूसरे नंबर पर एडजेक्टिव है तो बिफोर एडजेक्टिव जो वर्ड है इट इज कॉल्ड डिटरमाइनर, इसे डिटरमाइनर कहेंगे। न्यू एडजेक्टिव फ्रेंड
हेड वर्ड या नाउन भी इसको लिख सकते हैं, ये नाउन भी कर सकते हैं। ये तीन पार्ट हो गए। चौथे पार्ट को देखिए, दोज फ्लावर्स इन द बास्केट आर रोज, या दोज रेड कर, दोज रेड फ्लावर्स इन द बास्केट आर रोज। जब इसे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, पहले सब्जेक्ट को देख लीजिए, दोज रेड फ्लावर्स इन द बास्केट आपका सब्जेक्ट हुआ, आर रोज ये प्रेडिकेट हुआ, तो प्रेडिकेट को टच न करें, इन्हें छोड़ दें। दोज रेड फ्लावर्स को देखें, पहले दोज को लिखें, दोज। दूसरे नंबर पर देखते हैं हम एडजेक्टिव पाते हैं, इसका मतलब दूसरे नंबर पर एडजेक्टिव है तो दोज कहलाएगा आपका डिटर्मिनर कहलाएगा, डिटर्मिनर हो गया। दूसरा आपका वर्ड है रेड, तो रेड हो गया एडजेक्टिव कहलाएगा। तीसरा फ्लावर्स, फ्लावर्स है ये आपका हेड वर्ड है या फिर नाउन है। चौथा पार्ट आपका है इन द बास्केट, ये कहलाएगा एडजेक्टिव या एडजेक्टाइबल फ्रेज, ये कहलाएगा। ये चार पार्ट आपके हो गए, और ये नेसेसरी नहीं कि चारों पार्ट हर सेंटेंस में नहीं, किसी में एक पार्ट होगा, किसी में दो होगा, किसी में तीन होगा, किसी में चार भी हो सकता है। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के पार्ट हैं, जिसमें आपका सब्जेक्ट में हेड वर्ड में कभी जिरेंड भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है। ये चार पार्ट हैं, आशा है आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेडिकेट के पार्ट्स, डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट बताऊंगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक प्रेडिकेट पार्ट्स के साथ।